हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है हमारे पेड कोर्सेज का, जहां पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के पीछे या उसके एक बुलंदी पे पहुंचने के पीछे इंडिविजुअल्स का ग्रो करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से एक इंडिविजुअल जब ग्रो करता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेंथन करता है। किस तरीके से करेगा, हम एक एक करके इस बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इन ऑर्डर टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअसली देयर इज नीड फॉर कीपिंग इंडिविजुअल्स ग्रोइंग, राइट। तो बात ये बोली गई है कि बहुत जरूरी होता है इंडिविजुअल्स का ग्रो करना, अगर आप ये चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के साथ साथ आपके इंडिविजुअल्स का ग्रो करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो साथ में ग्रो करते रहेंगे तो आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा होगा, वो और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, राइट। अगर आप उनको ग्रो नहीं करवाओगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल्स को ग्रो नहीं कराते हो, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को अगर आप मौका नहीं देते हो ग्रो करने का, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। कैसे देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जैसा कि हमें पता ही है कि एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी की उसकी टीम, उसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन है कि एक एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज गुड एज इट्स पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा होता है जितने कि वहां के लोग होते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करने के लिए वहां के लोगों का ग्रो होना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से माध्यम से हम उनको ग्रो करेंगे या किस किस माध्यम से उनको ग्रो किया जा सकता है, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीख रहे हो, अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का कोई वैल्यू एड नहीं हो रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप खुशी से नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप नई चीजें नहीं करोगे, अगर आप नई चीजें नहीं सीखोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और अगर आप पीछे रह जाओगे तो जो अल्टीमेट गोल है आपके लाइफ का कि खुश रहना, अपने परिवार को खुश रखना है, बहुत सारी चीजें, वो चीजें आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको कॉन्टिन्यूअस लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए। आप हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करो एंड ऑल। तो यहाँ तो बहुत ही छोटे एस्पेक्ट में मैंने बता दिया। मैं अगर बिजनेस के एस्पेक्ट में बोलूं तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एम्प्लॉई। किसी भी एम्प्लॉई के लिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली उस काम के बारे में सीख रहा हूँ। किस तरीके से लोगों के साथ टीम वर्क करके काम करना है, वो भी मैं सीख रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है अपने इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना, अपने एम्प्लॉइज के ख्याल, उनकी जो भी डिमांड्स है उनका ख्याल रखना, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो, वो चीजें बैलेंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग में वही बात बोली गई है, देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स। लर्निंग इज एन इंपरमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ऑल, ठीक है ना। तो लर्निंग जो होता है भाई, वो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। आपके बिहेवियर में परमानेंटली जो बदलाव आता है वो लर्निंग ही लेकर के आता है, नई चीज ही आपको लेकर के आता है। और ये चीज जो है आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, बातचीत के थ्रू मिलती है, लोगों के साथ घुलने मिलने से मिलती है। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू प्रमोट दैट बिहेवियर। और इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव होने के लिए इस बिहेवियर को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलें, इमोशनली कंपैटिबल हों, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें एंड काम को साथ में करने की कोशिश करें, ठीक है। और ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा मिलना चाहिए जो कि फंक्शनल हो, और ऐसे बिहेवियर को डिस्करेज करना चाहिए जो कि एक तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को घटाता हो या उसको माइनस करता हो या उसके उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हो। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग राइट परसेप्शन। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेरा परसेप्शन मेरे काम को लेकर के क्लियर नहीं है, अगर मेरा परसेप्शन मेरे किसी भी किसी भी स्टेप को लेकर के अगर मेरा परसेप्शन क्लियर नहीं है, तो मैं उस काम को कभी पूरा नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि जो भी काम आप करने जा रहे हो, आप 100% कन्विक्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है, और अल्टीमेटली जो इसका आउटकम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो एक राइट परसेप्शन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंप्लॉइज में होना चाहिए, इंप्लॉयर के अंदर भी होता है ये कि जो वो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है। इंप्लॉइज के अंदर इसलिए होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उनका परसेप्शन क्लियर नहीं होगा उनके काम को लेकर के, उनके एनवायरमेंट को लेकर के, उनके बिजनेस को लेकर के, तो वो अपना 100% दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सो परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम द आवर सेंसरी रिसेप्टर्स। यहां पे सेंसरी रिसेप्टर्स की बात बोली गई। आपने लाइक लाइफ साइंस में पढ़ा था क्लास 9 10 में, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं पांच, है ना, आंख, नाक, कान, मुंह एंड स्किन, त्वचा जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूं तो।
तो इन सारे सेंसर रिसेप्टर्स के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सेंस करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। तो कोई बंदा सपोज कहीं पे काम करने के लिए जा रहा है और वहां पे उसको उसका एनवायरमेंट उसको अच्छा नहीं लग रहा, पॉजिटिव वाइब्स उसको नहीं आ रही, अच्छा फील उसको नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है आपको वो वहां पे काम करेगा? वो नहीं काम करेगा, राइट? तो एक राइट परसेप्शन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो परसेप्शन जो है आपके ये जो सेंसरी मोटर्स जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके थ्रू ही बनते हैं, ठीक है ना? नाउ इट इज योर परसेप्शन। अब ये परसेप्शन ही है जो कि आपके इन सारे इंफॉर्मेशन को मीनिंग देता है। आप जो ये डिसीजन लोगे कि नहीं मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता हूँ, तो आपका जो ये परसेप्शन बना कि ये पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है, मुझे इस जगह पे काम नहीं करना है, और आपने ये डिसीजन अपने बॉस को बता दिया एंड यू जस्ट लेफ्ट वेंट आउट या फिर लेफ्ट आउट जो भी, राइट? तो ये आपका परसेप्शन ही आपसे करवाता है और आपका परसेप्शन ही इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से मीनिंग प्रोवाइड करता है। The field of organization behavior helps us to create right perception. और ये जो field है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में, इसके बारे में यही बात बोली गई कि किस तरीके से एक organization behavior जो है OB जो है आपका right perception create करने में आपका help करता है, which is prerequisite for working effectively with people. लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इस चीज की जानकारी हो, आपका right perception create हो, जो कि help करता है OB create करने में, ठीक है? Next point. अगला है बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आपकी जो एटीट्यूड है, जो आपका वैल्यू है किसी भी काम को लेकर के, वो पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आप काम ठीक तरीके से कर नहीं पाओगे। आप वही बात है जो प्रीवियस पॉइंट है उसी का ये एक एक्सटेंशन वर्जन है, आप बोल सकते हो ये अगला वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हम लोग अभी कर रहे हैं। आपका अगर परसेप्शन क्रिएट नहीं होगा, सही नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव नहीं होगा, आप कोई वैल्यू भी ऐड नहीं कर पाओगे। So attitudes are lasting evaluations of people, groups, objects or issues, in fact, of virtually any aspect of social or physical world. जो भी आपका एटीट्यूड बनता है वो आपके आसपास के सराउंडिंग्स के कारण बनता है, चाहे वो आपका फिजिकल वर्ल्ड हो या आपका सोशल वर्ल्ड हो। जो भी चीजें आप देखते हो, जिनके साथ आप रहते हो, जो भी चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, उसके बेसिस पे उसी के जरिए जो है आपका एटीट्यूड तैयार होता है, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर इफेक्टिव रिलेशनशिप। और किसी भी रिलेशनशिप को इफेक्टिव और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका एटीट्यूड उस चीज को लेकर के सही हो। मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मेरा एटीट्यूड उस बंदी को लेकर के सही नहीं है, एटीट्यूड एज इन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा फिर भी मैं उसके साथ हूँ, उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं उसके साथ हूँ, मैं मुझे नहीं पता कि मैं उसको लाइक करता हूँ कि नहीं करता हूँ बट स्टिल मैं उसके साथ हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदी के साथ मैं हूं वही मेरी सोलमेट है, उसी से मैंने शादी करनी है एंड ऑल, ये क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी इफेक्टिव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं यहां पे, हालांकि मैंने लव वाला एंगल घुसा दिया, मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ उतना अच्छा हो पाएगा तभी जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उस बंदे को लेकर के या उस बंदी को लेकर के, जो भी, ठीक है? Values are the basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or adverse mode of conduct or end state of existence. Value क्या होता है भाई? Value का मतलब होता है कि किसी काम को आप जब कर रहे हो तो क्या उससे आपको कुछ फायदा मिल पा रहा है, कुछ वैल्यू आपको ऐड हो पा रही है। जो मैं लेक्चर आपको सुना रहा हूँ, क्या इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, क्या कुछ ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी हो रही है? अगर हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो बेकार है। वैल्यूज का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना? तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ट्यूशंस करके चुपचाप चीजों को करो, एग्जाम दो, बात खत्म हो गया, या तो एक तरीका होता है कि आप अपने जो चीजें आप सीख रहे हो उसको आप अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तो ही आपकी वैल्यू क्रिएट हो पाएगी। ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, हमें ये दिखाई नहीं देता, समटाइम्स समझ में भी नहीं आता, पर जब आप थोड़ा सा क्रिटिकली सोचने की कोशिश करोगे तो आपको ये सारी चीजें ऐसा लगेगा जैसे कि सर तो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ में ऐसा ही होता है, ठीक है? Having personality and emotions compatibility at workplace. ये मैंने previously थोड़ा सा बताया था कि अपने workplace में आपका emotionally compatible होना बहुत important है। एक बंदा बहुत ज्यादा professional हो सकता है लेकिन अगर वो emotionally अगर वो सही नहीं है, अगर वो emotions feel नहीं कर सकता लोगों की अपनी भी even, तो वो फिर काम तो वो बहुत अच्छा कर लेगा लेकिन वो बहुत लंबे समय तक उस काम को कर नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो आपकी जो पर्सनालिटी क्रिएट होती है वो आपके सराउंडिंग्स के कारण होती है, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर पैटर्न उसके कारण तैयार होती है, और आपकी पर्सनालिटी में प्रोफेशनलिज्म के साथ इमोशंस भी होना चाहिए, ठीक है? सो पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी की भी पर्सनालिटी आप उसके बिहेवियर, उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स के जरिए आप पता लगा सकते हो। देयर इज नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस एंड जॉब।
बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक राइट कॉम्बिनेशन तैयार करना, एक पर्सन का और एक जॉब का। एक बंदे को जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है आपने उसको वो काम दे दिया, एक बंदे को जिस काम में इंटरेस्ट है आपने उसको वो काम दिया, दोनों में कंपैरिजन करके देखो कौन ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो किसी की पर्सनालिटी जैसी है, किसी का जो काम करने का तरीका है, उसको उसके हिसाब से ही आपको काम देना पड़ेगा ताकि आप वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ वो काम कर सके और आप ठीक तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क पर्सनैलिटी कैन बी ऑल्सो डेवलप। काम के हिसाब से पर्सनैलिटी को डेवलप भी किया जा सकता है। इमोशंस आर रिएक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद थॉट, नॉलेज एंड मेमोरी। कॉग्निशन का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि आपके सराउंडिंग्स में हो रही हैं और आप उनसे लर्निंग ले रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो। ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं वो एक तरीके से आपकी कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कॉग्निटिव स्टेट क्या है। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस आप किस तरीके से देते हो, जब आप कोई बात सुनते हो तो साइकोलॉजिकली आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हो या क्या करते हो, आपका बिहेवियर कितना एक्सप्रेसिव है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके इमोशंस के साथ रिलेटेड होती हैं। तो एक बंदे का इमोशनल होना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने काम के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इमोशनल होगा तो वो डेफिनेटली अपने काम में अपना 100% दे पाएगा, बहुत ही इफेक्टिवली वो काम कर पाएगा। और कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन एक मेंटल एक्टिविटी होती है, एक मेंटल स्टेट होता है जहाँ पे आप सोचते हो, नॉलेज और आपकी मेमोरी होती है और उसके बेसिस पे आप सारे के सारे डिसीजंस वगैरह जो है आप लेते हो। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट था। आखिरी दो पॉइंट बचे हैं, मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होता है कि आप एक एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री क्रिएट करो। इंडिविजुअल्स वहां पर जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही सही होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए ताकि लोग अपने हिसाब से काम कर सकें, उनको वहां पे सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। नॉल Stress is a dynamic condition in which an individual is confronted with an opportunity constraint and dependent, a demand related to what he or she desires and for which outcome is perceived to be both uncertain and unimportant. स्ट्रेस फ्री का मतलब, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप किसी काम को करना चाह रहे हो, आप उस काम को कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रेस लेकर के कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो भी आउटकम निकलेगा वो सही निकलेगा या गलत निकलेगा, वो आपके फेवर में निकलेगा या फिर अनफेवर में निकलेगा। तो चीजें यहाँ पे अनसर्टेन होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन अनसर्टेन होती हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस होना लाजमी है। तो स्ट्रेस एक डायनेमिक कंडीशन होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल कन्फ्रंट करता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को एंड डिफरेंट डिमांड रिलेटेड वर्क को, जहाँ पे उसको ये बात नहीं पता होती कि जो वो काम कर रहा है वो वहाँ पे उसको जो आउटकम मिलेगा वो सर्टेनली सही होगा या कुछ अलग होगा। With growing competition and survival and excellence becoming tougher, stress is a managerial discomfort of modern era. तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, एक कंपनी दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, एक्वायर कर रही है, मर्जर हो रही है, अब्सॉर्प्शन हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जिसके कारण से अभी के टाइम पे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस को मैनेज करना अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा एक तरीके से मुश्किल काम हो गया है और यही सबसे ज्यादा एक तरीके से जरूरी काम भी अभी के टाइम पे है। लास्ट पॉइंट है कीपिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग job satisfaction. Motivation can be described as perhaps the most important intangible source of organization. Motivation is an inferred internal process that activates, guides and maintains behavior over time. Motivation क्या होता है? किसी भी काम करने में आपका मन कितना लग रहा है, ये आपका motivated एक तरीके से जो self होता है वो आपको बता सकता है। मैं ये जज कर सकता हूँ कि अगर आप काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे हो इसका मतलब आप लेस मोटिवेटेड हो, आपको आई डोंट नो। देखो यहाँ पे मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स तो भाई पैसे ही होते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो डेफिनेटली अगर आप अच्छी सैलरी के अपने इम्प्लॉयज को दे रहे हो तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड रहेगा, बट यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिसके कारण से वो डीमोटिवेटेड हो सकता है। ठीक है ना, तो बंदे का मोटिवेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंप्लॉई आपके पास काम कर रहा है अगर वो मोटिवेटेड नहीं है वो अपना 100% दे नहीं पाएगा, तो बहुत जरूरी है कि उनको मोटिवेट किया जाए। इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, बट सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पसंद है भाई, सैलरी बढ़ा दो, सिंपल सी बात है, सैलरी बढ़ा दो, वो बंदा ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो मोटिवेशन इज एन इनफर्ड इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर ओवर टाइम। जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स वंस जॉब। जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जॉब को लेकर के, तो वो होना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन टाइम बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स वर्कर्स एंड रिसीव एंड द अमाउंट दे बिलीव दे शुड रिसीव। देखो पैसे की बात आ गई ना, सिंपल सी बात है कि जो भी वर्कर आपके पास काम कर रहा है उसका एक परसेप्शन है कि उसको इतना सैलरी मिलना चाहिए था, अगर आप उसको कम सैलरी दोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो काम ठीक तरीके से कर नहीं पाएगा। ठीक है, वो करना ही नहीं चाहेगा। तो कितने रिवॉर्ड्स उस वर्कर को मिल रहे हैं और कितना रिवॉर्ड्स वो डिजर्व करता है उस चीज को रिसीव करने के लिए,
वो चीज में गैप नहीं होना चाहिए, वो उसको आपको जो है प्रॉपर रिवॉर्ड देने पड़ेंगे अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तभी वो मोटिवेटेड रह पाएगा। और आप अगर मोटिवेट रखवा करके ये सारे के सारे पॉइंट्स को ख्याल में रख करके अगर आप यू नो इम्प्लॉइज को ट्रेन करेंगे, उनको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा। और इससे ये बात साबित होती है कि इंडिविजुअल्स का ग्रो करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इंडिविजुअल्स का ग्रो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।